दोस्तों, अगर आप लोग एक यूट्यूबर हैं या नॉर्मल व्यूअर्स हैं, यूट्यूब पे वीडियो देखने के शौकीन जरूर होंगे। ऐसे में दोस्तों, जब भी आप मनपसंद अपनी वीडियो यूट्यूब पे देख रहे होते हैं, तो उस वीडियो को पसंद आने के बाद आप उस वीडियो में कमेंट करते हैं, या किसी से कुछ पूछना होता है तो उस वीडियो में आप जाके कमेंट करते हैं। ऐसे में फ्रेंड्स, यूट्यूब पे एक बहुत ही ज़्यादा बिग प्रॉब्लम चल रही है कि आप किसी भी यूट्यूब के वीडियो पर कमेंट कर ही नहीं पा रहे होंगे। यानी फ्रेंड्स, जब भी आप किसी के यूट्यूब के वीडियो पर कमेंट करने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर जब जो कमेंट बॉक्स है ना, उस पर क्लिक कर रहे होंगे, तो आपके मोबाइल का जो भी कीपैड होता है ना, जहां से आप टाइप करते हैं, वो ऑन ही नहीं हो रहा। और आप सोच रहे होंगे, आखिर ये ऑन क्यों नहीं हो रहा, मैं किसी को क्यों कमेंट नहीं कर पा रहा हूं। और कभी कभी तो दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि मेरे मोबाइल का जो ये टच है ना, टच स्क्रीन काम नहीं कर रहा होगा, उस पर आप बार बार क्लिक कर रहे होंगे, लेकिन आप किसी को कमेंट ही नहीं कर पा रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अगर किसी भी यूट्यूब के वीडियो पे कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो आखिर ये क्यों हो रहा है, या क्या प्रॉब्लम है और इसका क्या सोल्यूशन है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मिलेगी हर खबर डंके की चोट पे। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये प्रॉब्लम क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यूट्यूब पे जब भी कोई अपडेट आता है या कुछ अपडेट किए जाते हैं, तो तरह तरह की प्रॉब्लम लोगों को देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, इस वक्त यूट्यूब पे तरह तरह के अपडेट लाए जा रहे हैं, अच्छे अच्छे, उसके बाद अलग से बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स को भी ऐड किया जा रहा है, इसलिए बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स, यह एक अपडेट की वजह से हो रहा है, लेकिन फ्रेंड्स, आपको अगर लगता है कि यह एक अपडेट की वजह से नहीं हो रहा है, मुझे ये अचानक प्रॉब्लम देखने को मिली है, सो फ्रेंड्स, इसका सोल्यूशन भी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, और इन 5 टिप्स एंड ट्रिक्स को आप फॉलो करेंगे, तो फ्रेंड्स, मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि जब इन टिप्स को आप फॉलो करेंगे, तो आप दोबारा जब किसी भी YouTube के वीडियो को प्ले करके देखेंगे, तो उसके वीडियो में आप आसानी से कमेंट कर पाएंगे। जी हां दोस्तों, ये टिप्स को फॉलो करने के बाद आप आसानी से किसी भी YouTube के वीडियो पे कमेंट कर पाएंगे। तो कौन कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स है, चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूं। तो टिप्स नंबर 1, तो फ्रेंड्स यहां पर देखिए, YouTube पे जैसे मैंने पहले बताया कि अपडेट आता है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल के प्ले स्टोर को ऑन कर लेना है। प्ले स्टोर को जैसे ही ऑन करेंगे, तो फ्रेंड्स वहां पे आप सर्च करना है आपको YouTube ऐप। जैसे YouTube ऐप सर्च करेंगे, तो फ्रेंड्स वहां पे अगर आपका ऐप होगा, तो वहां पे ओपन का ऑप्शन आएगा, या फ्रेंड्स YouTube ऐप का अगर अपडेट आया होगा और आपने नहीं किया होगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने YouTube ऐप को अपडेट कर लेना है। अपडेट कर लेने के बाद फ्रेंड्स, आपकी यह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आप किसी भी YouTube के वीडियो में कमेंट आसानी से कर पाएंगे। दूसरे टिप्स की बात करें फ्रेंड्स की, अब देखिए आपको क्या करना है, जैसे कि फ्रेंड्स आपने यूट्यूब चैनल को या फ्रेंड्स यूट्यूब में अपनी जीमेल आईडी से कोई भी एक ईमेल आईडी से लॉगिन करके रखा होगा, यानी साइन इन करके रखा होगा, तो आपको क्या करना है कि अपनी उस ईमेल आईडी को आपको यूट्यूब से लॉग आउट कर देना है, यानी फ्रेंड्स साइन आउट कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, फिर से उसी ईमेल आईडी से आपको लॉग इन हो जाना है, यानी साइन इन कर लेना है। अगर फ्रेंड्स आपको अपने ईमेल आईडी का पासवर्ड याद नहीं है, तो फ्रेंड्स मैं आपको एक गाइड करूंगा कि आप इस चीज़ को ट्राई ना करें, लेकिन अगर आपको पासवर्ड याद है अपने ईमेल आईडी का, या फ्रेंड्स अपने यूट्यूब चैनल ईमेल आईडी का पासवर्ड याद है, तो फ्रेंड्स आप आसानी से इसको साइन आउट करके मोबाइल का स्विच ऑन ऑफ करके ऑन कर लीजिए, उसके बाद लॉग इन कर लीजिए, आपकी यह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर ट्रिक नंबर 3, तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब जो ट्रिक मैं आपको बताऊँगा, इसके लिए दोस्तों मैं अब आपको यहाँ पर एकदम लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊँगा कि इसको आपको कैसे करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको अब यहाँ पे लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे मेरे मोबाइल की स्क्रीन भी अब आपको देखने को मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स अब आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना YouTube ऐप को ओपन कर लेना है, ठीक है। जैसे दोस्तों आप YouTube ऐप को ओपन करेंगे ना, तो YouTube ऐप को ओपन करने के बाद फ्रेंड्स आपको देखिए राइट साइड में आपके अपने YouTube चैनल के ईमेल आईडी होगी, या फ्रेंड्स अपने YouTube चैनल का लोगो यहां पे शो होगा, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर जैसे दोस्तों आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको नीचे में आएंगे, तो यहाँ पे देखिए एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं नीचे आता हूँ, और यहाँ पे फ्रेंड्स एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, हिस्ट्री एंड प्राइवेसी। तो फ्रेंड्स आपको हिस्ट्री एंड प्राइवेसी पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, क्लियर वॉच हिस्ट्री और होगा क्लियर सर्च हिस्ट्री। आपको इन दोनों हिस्ट्री को क्लियर कर देना है, ठीक है। तो मैं चलिए यहाँ पर क्लियर भी कर देता हूँ, क्लियर वॉच हिस्ट्री पर आपको क्लियर करके यहाँ पे क्लियर कर देता हूं, ऑल क्लियर, और क्लियर सर्च हिस्ट्री पे क्लिक करके मैं क्लियर कर देता हूं। क्योंकि दोस्तों जब भी हम लोग यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देखते हैं, तो बहुत सारी फाइल
माई गैलरी में सेव हो जाती है, बहुत सारे सर्च में आ जाता है, तो कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो आपको इसको भी सॉल्व कर लेना है। अब इसके बाद दोस्तों क्या करना है, देखिए अभी इसके बाद फ्रेंड्स आपको सिंपली आपको अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पे आ जाना है। अब आपको यूट्यूब ऐप पे 2 सेकेंड के लिए उंगली प्रेस करके रखना है इस तरीके से। जैसे फ्रेंड्स 2 सेकेंड के लिए आप उंगली प्रेस करके रखेंगे, आपके मोबाइल में एक ऐप इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर लेंगे। आपके पास कोई भी मोबाइल होगा, कोई भी स्मार्टफोन होगा, सभी मोबाइल में ये ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, स्टोरेज में आ जाना है और वहाँ पर आपको क्लियर डाटा को क्लियर कर देना है, यानी क्लियर कैश, जिसको क्लियर कैचे भी बहुत लोग पढ़ते हैं, तो क्लियर कैचे को क्लियर कर देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्लियर डाटा को आपको क्या करना है, क्लियर ऑल डाटा क्लियर कर देते हैं और यहाँ से आपको क्या करना है, ओके कर देना, ठीक है। इसी तरीके से फ्रेंड्स आपको भी कर लेना है, क्लियर और डाटा को क्लियर कर लेना है, क्लियर कैचर को क्लियर कर देना है। इसके बाद आपका ये जो प्रॉब्लम है 100% सॉल्व हो जाएगी। आप किसी भी यूट्यूब की वीडियो को जब प्ले करके देखेंगे और उसके वीडियो में कमेंट करेंगे तो आप आसानी से कमेंट कर पाएंगे। अगर फिर भी दोस्तों आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तो आपको लास्ट मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, इस ट्रिक से फ्रेंड्स आपको 100% आपका जो ये सोल्यूशन प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी, किसी भी यूट्यूब की वीडियो में कमेंट कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए यूट्यूब ऐप को ओपन करना, सबसे लास्ट में इस ट्रिक को आपको अप्लाई करना है जब अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यूट्यूब ऐप को ओपन करना है। यूट्यूब ऐप ओपन करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहां पे अपने चैनल का लोगो या अपने यूट्यूब ईमेल आईडी का जो पहला अक्षर था उसका नाम देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद आपको हेल्प एंड फीडबैक का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप देखिए हेल्प एंड फीडबैक ऑप्शन वाले पे आ जाएंगे। यहाँ पे अब आपको क्या करना है, यूट्यूब को फीडबैक डाल देना है, यानी हेल्प के लिए फीडबैक डाल देना है कि मेरे वीडियो, मैं किसी की वीडियो प्ले कर रहा हूँ तो मैं किसी की वीडियो में कमेंट नहीं कर पा रहा, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको हेल्प एंड फीडबैक में आ जाना है और यहाँ पर यूट्यूब को क्या करना है, फीडबैक डाल देना। नीचे में देखिए यहाँ पे एक सेंड फीडबैक का ऑप्शन देखने को मिला है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे दोस्तों आपको क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे अब आपको सर्च बॉक्स आ जाएगा, यहाँ पे अब आपको टाइप करने के लिए बोलेगा कि आपको क्या टाइप करना, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इंग्लिश में टाइप कर देना, जैसे मैं आपको हिंदी बता दे रहा हूँ क्या टाइप करना है। आपको यहाँ पर लिख देना है, मैं किसी भी यूट्यूब की वीडियो में कमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, प्लीज़ मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करिए एज सुन एज पॉसिबल। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जैसे कि आपको फटाफट से मैं एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहा हूँ, डियर यूट्यूब टीम, इस तरीके से आपको लिख देना, ठीक है। डियर यूट्यूब टीम मैं फ्रेंड्स आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, काफ़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो दोस्तों पहले मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, फिर मैं आपको आगे नेक्स्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप इस तरीके से टाइप कर देना, डियर यूट्यूब टीम, आई एम नॉट एबल टू कमेंट एनी यूट्यूब वीडियो, प्लीज सॉल्व माई प्रॉब्लम एज सुन एज पॉसिबल। फिर यहां पे लिख देना थैंक यू और उसके बाद ऊपर में सेंड फीडबैक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आपका जो ये फीडबैक है यूट्यूब टीम के पास चला जाएगा। अगर आप किसी भी यूट्यूब के वीडियो में कमेंट नहीं कर पा रहे होंगे तो यूट्यूब टीम इसको चेक करेगा, फिर आपके यूट्यूब के वीडियो में जो ये कमेंट बॉक्स को लेकर के जो प्रॉब्लम हो रही है यह सॉल्व कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको सभी ट्रिक्स को बता दिया है, इन सारे ट्रिक्स को आप अपने यूट्यूब के चैनल पे फॉलो करिए, फिर दोस्तों आप किसी भी यूट्यूब के वीडियो में आसानी से कमेंट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा, ताकि किसी और को भी यह प्रॉब्लम हो रही होगी तो इस वीडियो को देख के उसकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो, मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, वहां पे भी मैं लोगों की हेल्प करता हूं। तो इंस्टाग्राम का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।